लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि मैंने आज तक कभी भी गेटिंग ओवर इट नहीं खेला है। एंड ये सब कहते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ तो बहुत बड़ा मिस कर रहा हूँ, बट आज से ये सारी चीजें खत्म होने वाली है क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं वर्ल्ड का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग गेम गेटिंग ओवर इट। और लॉर्ड सिन्हा वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मेरा। So, हमारा गेम कुछ इस हिसाब का दिखता है एंड साउंड इतना ज्यादा क्रीपी है ना भाई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या हो रहा है ये मटके के अंदर बंद कैसे था, इतना बड़ा बॉडी अंदर आया कैसे? छोड़ो ये मेन मुद्दा नहीं है, हमको इस हैमर के सारे, एक सेकंड मैं तुम लोग को क्यों सिखा रहा हूँ यार, कोई सेंस है इस बात? इसके कंट्रोल्स तक काफी ज्यादा फनी है यार। इसको मैं सिर्फ माउस के जरिए खेल सकता हूँ, कीबोर्ड की मेरे को आज जरूरत नहीं है। ये अबे यार अटका ले भाई ऊपर, हो गया। प्लीज भाई मेरे, लेट्स गो भाई। एक काम करता हूँ, मैं उस लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओ नहीं, पकड़ते रह गया मैं। अब बिग ब्रेन टाइम है, ओके मैं डायरेक्ट इसको ऐसे जंप कराएगा, समझ? ऐसे ये रिस्की जंप है बट करना पड़ेगा। अबे अटक गया ये भाई, ये बंदा। ओ लॉल, ओके हो गया। इसको यहाँ पर रख ले भाई मेरे, एंड ऐसे लेट्स गो। नहीं तुझे ये नहीं करना था यार। हो गया, अब इसको थोड़ा संभाल के करता हूँ मैं, क्या है ना ध्यान देना पड़ेगा, ये निपट लिया तो समस्या हो जाएगी भाई मेरे। नहीं ये खुद ही मरना चाह रहा है भाई, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा इस मामले में। तो लेट्स गो, अपन ने दूसरा लेवल भी क्लियर कर लिया। अभी ये वाला ये वाला लेवल कब पार होगा पता नहीं। गेटिंग ओवर इट ना मुझे लगता है कि पिछले वाले गेम से ज़्यादा इजी है। मैंने बड़े आराम से इसके 3 लेवल पार कर दिए, आई थिंक मैं चौथा भी करने ही वाला हूँ। ओके बुरा मत मानो यार गेम बउआ। अबे बुरा मान गया क्या, ये चढ़ नहीं रहा है अभी। ये देख रहे हो ये जो लंबी लंबी गुलाटियाँ खेल रहा है ना, शांति से चढ़ नहीं सकता ऊपर पागल आदमी। मैं इसको ऐसे पार कर सकता हूँ, समझ रहे हो तुम लोग, बस जंप करनी है मेरे को, थोड़ी मेहनत लगेगी मेरे को बट आई कैन डू इट ब्रो। इसमें थोड़ा भी कीबोर्ड का काम नहीं क्योंकि मेरी आदत हो रखी है भाई, मैं कीबोर्ड में बार बार जंप का बटन दबा रहा हूँ। मैं अपना हाथ ये वाला बांध लूँ क्या? ओके ये मैं आ गया ब्रो, प्लीज अपना बम जो है वो इधर फिट कर दे, प्लीज फिट कर दे। जे बात ना भाई, ऐसे अबे नूबड़े यार क्यों कर रहा है ये मेरे साथ, ये ना बुरा मान गया भाई। पता है मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, ये जो गेम है ये सबसे ज्यादा हार्ड गेम है, सच बोल रहा हूँ मैं एकदम। अब तो मान ले भाई बात मेरी, अभी तक माइक का एक्सेस साहब हट गया क्या, माइक का एक्सेस? अब हल्का सा ऐसे देखो, एकदम प्यार से, ठीक है ना जी बात, हल्का सा गिर मत जाइयो भाई प्लीज जी बात बोलती पब्लिक। यो हो गया ओके, एकदम आराम से बोला था चोमू चिलगोजे, ये मुझे अब गुस्सा दिला रहे हैं बहुत ज्यादा गुस्सा, पर चिंता मत करो मैं अपना नुकसान नहीं कराएगा, मैं नहीं फोड़ रहा कीबोर्ड। ओबे नूबड़े चला जाना यार, छोड़ क्यों रहा है उसको बार बार, देखना अभी इसको इसके ये वाला जो चोचला ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ बट ये बार बार छोड़ दे रहा है, पकड़ रहा है फिसल जा रहा है, हथौड़ा है कि चिमनी का लोटा लेके घूम रहा है। कंट्रोल आरकेसी कंट्रोल, ज्यादा गुस्सा करेगा तो मजा नहीं आएगा, व्यूज बस आएगा। यो तो मैंने आरकेसी को कुछ देर के लिए छुट्टी पर भेज दिया है, मेरा नाम है मुट्ठी शेख, मैं भले दुबई से नहीं है पर दुबई के सारे काम जानता हूँ। सॉरी यार पिछली वीडियो में माइक बंद हो गया था, अब जो कि मैं मुट्ठी शेख हूँ तो मैं यहाँ पर इजीली इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। आरकेसी नूब है, देखो मैं तुम लोग को बताता, देखो सीधी बात, अगर इस गेम में तुम डरोगे देन तुम ठिंगा पार नहीं कर पाओगे। चिल मारो एकदम चिल, जितना चिल रहोगे ना उतना पार नहीं होगा। क्या बोल रहे हो वे, हो जाए ना भाई क्या, देखो एक बार हो गया अभी ये भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है यार हर चीज को होने में। जे बात देखा फंस गया, ये है इजी मैं तुमको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है यार हर चीज को होने में। चल ब्रो ये देखो हथौड़ा इसका सारा करा है इसने, अपने हथौड़े में या तो सरसों का तेल लगा रखा है या तो मैंने गलत गलत गेम डाउनलोड कर ली है। यो ओ ओ ओके ओके नहीं बच गया, सेफ था अब नहीं हूँ, अब तो बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ भाई, बंदा पूरा अपने कदम लगा रहा है। ओके तो यहाँ तक आने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई परंतु आगे जाने में बहुत परेशानी होगी मेरे को, थोड़ा जोर से अगर मैं दम लगाऊ देन शायद भाई बचा। बहुत बढ़िया
यार कैसे होता ना, तो इतना कभी नहीं आ पाता जीवन में, नहीं आ पाता भाई। मैं हूँ मुट्ठी शेख, मुट्ठी शेख, ये बात ना भाई। आर के सी कुछ सीख, हमेशा आर के सी यही तो सीखता है गिरने का काम। लोल भाई मैं कुछ ज्यादा ही पीछे ना चला जाऊ, क्या हो रहा है इस गेम के साथ मेरा? हाँ संबंध बिगड़ गए क्या? हाँ माइक का एक्सेस ले रखा है तुमने मेरे, सुनाई कैसे दे रहा है कि मैं तुमको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। देखो अब ना इसको प्यार से कंप्लीट करते ना, थोड़ा और प्यार से, लाइक एकदम आराम आराम से, ठीक है ना भैया मेरे। ओके भैंस की, इतना क्या जंप मार रहा है फुटबॉल, ये हथौड़ा है कि क्या है भाई, ये इतना कैसे छोड़ दे रहा है ये जंप। ओके अब ओ लॉल मैं इतना ऊपर आ गया, वही तो सोचो मैं इतना ऊपर कैसे आ गया, पहला मेरा कंधा दर्द करने लग गया इसको गोल गोल घुमा घुमा के। बट ये बंदा जो है ये रेडी ही नहीं है जाने के लिए, बहुत बढ़िया भाई अटक गया ये तो। अबे उस पार आ जा यार, ओ ओ कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। ओके डीप, एकदम डीप, एकदम डीप, एकदम डीप, एकदम डीप, एकदम डीप, और डीप और डीप और डीप ब्रो, तू कर सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है यार किसी, ये बात तुझे भी नहीं पता होगी कि तू कर सकता है, पर मुझे पता है कि तू कर सकता है ये बात ना भाई। यार ये क्या हथौड़ा है, ये क्यों है, ये हथौड़ा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए धरती पे भाई, इतना इतना जंप कैसे कर ले रहा है। ओके ये क्या था, पता नहीं क्या था पर जो भी था बहुत जबरदस्त था, इसको पार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। क्या इस घर की छत पे कैसे, ये क्या चिलगोजा बनती है भाई, इसके हथौड़े में किसने फुटबॉल फिट कर दिया साला, इतना तो मैं जो 35 रुपए वाली टेनिस बॉल लेके आता था वो भी नहीं उछलती थी जितना इसका हथौड़ा उछल रहा है। बहुत मुश्किल से यहां तक आया भाई मैं इस बार गलती, भाई मैं कुछ कर भी नहीं रहा, इतना धीरे से माउस घुमा रहा हूं ना मैं, कुछ भी हो जाए मैं एटलीस्ट घर के ऊपर तक तो जाएगा। जे बोलती पब्लिक, मैं मेरा नाम है आरकेजी, तू सुन रहा है गेम वाले, तेरे पास माइक का एक्सेस है सुना है मैंने, इधर ना थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा मेरे को सब कुछ, अगर मैं इधर सब कुछ बराबर करता ना तो ही मैं घर के ऊपर जंप कर पाएगा। देखो अगर मैं इसको ना ऐसे करूं कुछ, लाइक अगर मैं यहां पर जोर से मारूं तो आगे मैं ऊपर, लेट्स गो लेट्स गो। भाई ये क्या है, अभी अचानक से क्या हो गया मेरे को, ओ भाई लॉल कुछ ज्यादा ही भयंकर नहीं हो गया ये सीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जूस की बोतल तो मैंने गिरा दी है, जो कि वही एरिया आई गया सबसे ज्यादा हार्ड होता था, इतना भी हार्ड नहीं है अभी तो, और भी बहुत एरिया हार्ड है, बट मैं एटलीस्ट कुछ दूरी तक तो आ चुका हूं, कुछ क्या बहुत दूरी तक आ गया एंड लॉल कांड हो गया भाई मेरे। यार इतना क्या अच्छा खेलने लग गया मैं अभी, ओ नो वे गाइस। सो यार मैंने काफी अच्छा खेला, एंड में बहुत मजा आया यार सीरियसली। ये क्रिपी साउंड मुझे नहीं सुनना भाई, बहुत ज्यादा डरावना है ये साउंड। ओके तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप तुम लोग को मजा आया, एंड अगर मजा तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम के लिंक तो तुम लोग को दिख ही रही होगी तो जाकर के फॉलो मार लेना, एंड हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लो, एंड अभी रिसेंटली मैंने इस गेटिंग ओवर इट के छोटे भाई को भी खेला है तो जाकर के देखो, यहाँ पर वीडियो दिख रही है क्लिक करो देखो एंड एंजॉय करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइस।